दोस्तों आज RBI की MPC मीटिंग हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे शानदार फैसला रहा सभी UPI यूजर्स के लिए, यानी अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह यूज करते हैं तो आपको इस नई सुविधा का फायदा मिलने वाला है। और देखिए बड़ी अच्छी खबर, जल्द ही UPI से बैंक खाते में पैसे जमा कर सकेंगे। कैश डिपॉजिट मशीन में आपको ये सुविधा मिलेगी। अभी आपको बताओ UPI से पेमेंट और नगद निकासी की फैसिलिटी तो कई सारे ATM बैंक पर भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन जल्दी आप QR कोड स्कैन करके UPI में पैसा जमा भी कर सकेंगे। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की मीटिंग में यह बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि UPI की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस को देखते हुए अब इसके माध्यम से कैश डिपॉजिट फैसिलिटी का प्रस्ताव भी रखा गया है और ये सुविधा CDM यानी कैश डिपॉजिट मशीन में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आप बैंक में कैश जमा कराने जाते हो तो चेक वगैरह के जरिए करा सकते हैं, राइट। लेकिन जल्दी आपको UPI के जरिए भी कैश डिपॉजिट करने की सुविधा मिलेगी आपके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अच्छा, इसके अलावा भी MPC मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। आइए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में क्या क्या फैसलों पर मुहर लगी। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा फैसला रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में लगातार 7वीं बार कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आपके द्वारा लिया गया बैंक का लोन महंगा नहीं होगा, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6.5% पर रेपो रेट को बरकरार रखा और RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई भी 4.5% रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा GDP ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान जताया गया इस मीटिंग में। रेपो रेट जब भी बढ़ती है तो आपके लोन की EMI यानी कि हर महीने की किस्त जो आती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। रेपो रेट और EMI के बीच का कनेक्शन क्या है देख सकते हैं आप, क्योंकि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI से बैंकों को कर्ज मिलता है। तो RBI से बैंकों को अगर लोन महंगा मिलेगा तो बैंकों के द्वारा आपको भी लोन महंगा मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से जब भी रेपो रेट डाउन होती है तो आपके लोन की रेटें कम होती है, जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो आपका लोन भी महंगा हो जाता है। बाकी UPI के ट्रांजेक्शन के आंकड़े भी जारी किए RBI ने, जिसके मुताबिक मार्च 2024 में UPI ट्रांजेक्शन का एक नया रिकॉर्ड बना। 1344 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी 199 लाख से भी ज्यादा यानी लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ UPI के जरिए। ये मंथ वाइज डेटा भी आप देख सकते हैं 2023-24 FY में कितने कितने ट्रांसफर किए गए। चलिए इसके अलावा RBI MPC मीटिंग का एक और बड़ा फैसला, PPI वॉलेट से UPI पेमेंट की अनुमति देने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। PPI यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो वॉलेट होते हैं ना आपका, उस वॉलेट से UPI पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप के इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव भी इस RBI MPC मीटिंग में रखा गया है। फिलहाल वॉलेट से UPI पेमेंट की सुविधा केवल PPI कार्ड जारी करने वाली कंपनी के वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है, लेकिन ये सुविधा जल्दी आपको ग्लोबली मिलेगी। इसके लिए आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे जैसे थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और RBI की इस मीटिंग के बाद गवर्नर के संबोधन की 10 बड़ी बातें भी देखिए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अभी ये 645.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है और कोर महंगाई दर में कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी RBI के तय लक्ष्य 4% से ऊपर है। इसे नियंत्रित लक्ष्य में लाना प्राथमिकताओं में बरकरार है। अर्थव्यवस्था के हित में ये जरूरी है कि CPI यानी कोर प्राइस इन्फ्लेशन को तय दायरे में लाया जाए। इसके अलावा RBI महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों से निपटने और जरूरी कदम उठाने के लिए बेहतर स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव, व्यापारिक मार्ग पर बाधाओं से चिंता बनी हुई है, उन्हें भी सुधारा जाएगा। इसके अलावा भारतीय रुपये की स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के मुताबिक ही है, इसमें ठोस आधार देखा जा रहा है। देश में सरकारी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। खाद्य दर में लगातार महंगाई का उतार चढ़ाव बरकरार है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही में ये RBI के तय लक्ष्य 4% के अंदर आने और 3.8% पर रहने का अनुमान है। इन MPC के फैसलों के बाद सेंसेक्स स्टॉक मार्केट भी रिकवर होकर सपाट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी में थोड़ी सुस्ती देखी गई और भारत की इकोनॉमी, NBFCs, बैंकों को लेकर भी गवर्नर साहब ने क्या क्या बातें कही ये प्रेजेंट टेंशन में आप देख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों RBI MPC मीटिंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।